ठंडी ठंडी बियर पियेंगे गोवा वाले जी। ए शुक्ला जी मारा पहले जल्दी लिट्टी भूजल ला। इंटेलिजेंस मिला था कि पुर्तगाली जब गोवा से जाएंगे तो हर चीज तहस नहस करके जाएंगे। गोवा में पुर्तगाली थे सब, और आजादी के बाद तक पुर्तगाली थे सब। वहां भारत का झंडा नहीं लहराया जाता पुर्तगाली का। पुर्तगाली में ज्यादातर क्रिश्चियन थे, तो आज भी गोवा में क्रिश्चियन कल्चर ज्यादा मिलेगा, और अंग्रेजों का कल्चर वहां पे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा गोवा में। वहां पे चर्च वगैरह भी बहुत ज्यादा, शराब वगैरह वहां पे तो कॉमन चीज है। समझ में आ गया कि नहीं? ठंडी ठंडी बियर पियेंगे गोवा वाले जी। बताओ, शराब पीने को गाना में उसको बना दिया है। आओ तो नहीं बिहार में पियो, समझ में कि नहीं? हाँ, तो जैसे बिहार में पियेंगे ना तो बिहार पुलिस उधर से लाएगी, सुबह सुबह पीट के आएंगे। नहीं समझ, बिहार पुलिस आएगी, अल्लाह अल्लाह आबकारी विभाग पकड़ गया। भले बिहार में आपको चोरी छुपे पी सकते हैं, ठीक है। मीडिया में देखिएगा तो कई आदमी आके कहते हैं बिहार में शराब मिल रहा है, जो पी रहा है तो नहीं बताओ उसको। हाँ, बहुत बार क्या कहते हैं कि हम वीर कुंवर सिंह की भूमि से हैं, आपका पड़ोसी पी रहा है, हिम्मत नहीं है आपको कि समाज में जाके सरकार को कंप्लेन कर सके पुलिस में कि मेरा पड़ोसी पीता है और बवाल करता है। नहीं, लेकिन जब नसीहत देने के लिए आएगा ना, भाषणबाजी, मिल तो रहा है, होम डिलीवरी है, जान रहा है तो पकड़वाओ। समाज को साफ करने की जिम्मेदारी केवल पुलिस वाले उठाएंगे, भाषणबाजी करेगा लोग यहाँ पे, काहे तो घुसिया जाएगा, घुसिया जाएगा। तोरा इतना चिंता है, तुम्हें जब अपना मोहल्ला पड़ोस नहीं सुधार पा रहे हो तो पुलिस वाले का कौन जिला कहाँ भेजते रहता है कोई पता ही नहीं। भागलपुर का पुलिस वाला गोपालगंज ड्यूटी है। अच्छी बात है शराब बंद, शराब कोई अच्छी चीज थोड़ी है। भारत में लोग ओवरडोज पी जाते हैं, और अमेरिका वगैरह में शराब इसलिए पीते हैं लोग कि अपने शरीर को गर्म रख सके। उससे लिए भारत में हल्दी दूध पियो ना, नहीं समझ आया, केसर वाला पियो, अंडा खा लो, नहीं समझ आया। अब उसमें आ जाएगा सब भेज और नॉन भेज वाला। अच्छा, भेज वाला ऐसा बोलता है तो जिसे लगेगा उसको कोई बीमारी नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं? गया देखिए, नॉन वेज वेज साइंटिफिक ढंग से ठीक है, धार्मिक दृष्टि से अगर देखिएगा ना तो नॉनवेज को वरीयता नहीं दी गई है। धार्मिक दृष्टि से वेज को ही प्रिफर किया गया, धार्मिक दृष्टि से, समझ में आ रहा है कि नहीं? साइंटिफिक दृष्टि तो साइंस को ये सब कोई मतलब नहीं रहता, वो तो साइंस तो खोजता है कि ये सब कौन है जो ये सब चीज को ले आ रहा है यहाँ पे। तो गोवा जो है वो क्रिश्चियन कल्चर वहां ज्यादा मिलेगा। 1961 में गोवा आजादे नहीं हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू थे, कहें कि रे चोटा कहीं का तुम कौन सी नौटंकी बतिया रहा है, तो एकदम लाइची दाना बराबर है, कह रहा है कि हम होंगे। जवाहरलाल नेहरू ने नेवी को कहा कि एक काम करो, घेर लो चारों ओर से। नेवी ने चारों ओर से घेर लिया, थल सेना को कहा तो पीछे से घेर लो, थल सेना पीछे से घेर लिया, और ऊपर से एयरफोर्स घेर ली। तो पुर्तगाल वाला कहा कि भागेंगे कहाँ, अरे भाई भागने का तो मौका दो। नेहरू की सबसे समझदारी यही थी, क्योंकि पुर्तगाल इंटेलिजेंस मिला था कि पुर्तगाली जब गोवा से जाएंगे तो हर चीज तहस नहस करके जाएंगे। पुरानी बिल्डिंगें, पुरानी पुल, बिजली वगैरह की सप्लाई, जितनी चीज़ें, जैसे आप सपोज कीजिए, आप कहेंगे क्या चीज़ खराब कर सकता है। आप जिस लॉज में रहते हैं एक छोटे से कमरा में, कभी कभी इतना खचरा लड़का आता है, लॉज खाली करके जाएगा, बल्ब फोड़ देगा, बोर्ड तोड़ देता है, बिजली वाला बोर्ड को क्या करता है तोड़ देता है, बेसिन का पाइप नोच देता है। तो सोचिए, जब आप इतना छोटा रूम तहस नहस कर सकते हैं, तो उसको पूरा राज्य मिला था। नेहरू को लगा कि अरे ससुरते ही क्या, ये जाएगा तहस नहस करके जाएगा, रुक तोरा बताई तो हम। नेहरू ने क्या कर दिया, चारों ओर से घेरवा दिया। पुर्तगाल वाला करे जाएंगे किधर से, कहा कोई बात नहीं, हम पहुंचा देंगे आपको, ला दे रे सामान इनका, पहुंचा दे पुर्तगाल। अगले दिन पुर्तगाल पहुंच गया वहां पे, लोग यहाँ पे ऑपरेशन विजय सक्सेस हो गया। क्या हो गया? ऑपरेशन विजय सक्सेस, कोई गोली उली नहीं चलाना पड़ा था, कोई गोली उली नहीं, तो तैयार हो गया था। चार्ली विलियम डेविड, डेविड यहाँ पे जाट रेजिमेंट वाला मुंह छाट के खड़ा है, आओ तेरा डेविड विड निकालते हैं यहाँ पे, आओ। नहीं समझाया, दो दिया वहां पे। अब पंजाब रेजिमेंट वाले, जाट रेजिमेंट वाले, ये लोग जानते हैं, नागा रेजिमेंट वाले तो कच्चे चबा जाए सब। बिहार रेजिमेंट वाला, बिहार रेजिमेंट,
ए शुक्ला जी मार पहले जल्दी लिट्टी भूजल ले मार जल्दी मार, 2 घंटा पहले ही लड़ाई खत्म कर लिट्टी से कर ले। नहीं समझ में आ गया, लकड़ी उकड़ी ना मिले चीते पे सेक दो। तो गोवा हम लोग के क्या आ गया, कब्जा में आ गया। किस ऑपरेशन के तहत? विजय ऑपरेशन। गोवा में आज भी वेस्टर्न कल्चर आपको ज्यादा देखने को मिला। अब गोवा में एक अलग वो चीजें हैं, वहां पे वहां के लोग जो है ना बड़ी, मतलब बाहर से अगर जाके आप सोचिएगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दे बीच के किनारे, तो वहां के लोग इसका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। इसलिए आप देखिएगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां नहीं जा पाई, ओला उबर नहीं जा पाया वहां से। वहां के लोगों का कहना है कि अगर बाहर के लोगों को पूरी तरह से छूट दे देंगे तो ये बाहर के लोग आएंगे। गोवा किस लिए प्रसिद्ध है? अपने नेचुरलिटी के लिए, बीच के लिए। बाहर का लोग आएगा यहाँ बीच पे किनारे 5 तल्ला बिल्डिंग बना देगा। अब बनाते बनाते अगवा वाला इतना ना बना देगा पीछे वाला पूरा ढाप देगा, समुंदर नहीं दिखेगा उसको। तो वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जगह। काजू वहाँ बड़ी सस्ता मिलता है, जो समुद्र का एरिया होता है, जो जहाँ पर लेटराइट मिट्टी होती है, वो काजू के लिए प्रसिद्ध है। मेनली भारत का ये एक ऐसा राज्य है जो कम्प्लीटली किस पे ज़्यादा है, पर्यटन पर। किस पर है? पर्यटन। कोरोना से पहले यहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि विदेशी पर्यटकों को ही ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। कोरोना में सारा विदेशी पर्यटक साइड हो गया, बाद में आए इंडियन पर्यटक, देसी वाला पर्यटक। तो वो लोग अब देसी पर्यटकों को भी क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। यहाँ पर पर्यटन के लिए वो जगह भी काफ़ी, मतलब वो सुटेबल है, उसी हिसाब से उसको माहौल को बनाया गया है। बिहार में पर्यटन की बात कीजिए, यहाँ पर अगर कोई अंग्रेज गांव में चल गया तो पूरा गांव पीछे आएगा, रे ये कौन चीज आ गई रे यार। अरे उसका पहचान कर देगा सब पूरा कैसे, अरे पूरा एकदम फिरंगी है। आगे समझते हैं।